नमस्कार साथियों, मैं मनोज कुमार आप लोगों का स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मुझे ऐसी आशा है आप लोग ठीक होंगे और स्वस्थ होंगे। साथियों, आज बात करने वाले हैं 10 इंटीग्रेट सिम्टम्स ऑफ लिवर प्रॉब्लम्स। कहने का मतलब है लिवर या जिगर खराब होने के आज संकेत के बारे में समझेंगे। कौन कौन से हमारे क्या है लिवर इंडिकेट्स देता है जो हमारे क्या बॉडी में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं, किस में लिवर में, तो उन्हीं पे आज क्या डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले समझ लेते हैं लिवर के बारे में। तो लिवर एक हमारे बॉडी में बहुत महत्वपूर्ण एक अंग होता है, जिसका वर्क होता है हमारी बॉडी में क्या है बहुत मेटाबॉलिक रिएक्शंस, उपापचय क्रिया में यह भाग लेता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में बहुत सारे टॉक्सिन्स को निकालने का काम करता है, केमिकली को डाइजेशन करने का काम करता है, और भी बहुत सारी इसकी अनगिनत प्रोसेस होती हैं, मैकेनिज्म होती हैं। तो उन्हीं के बारे में आज डिस्कस करेंगे। जब लिवर में कोई दिक्कत या परेशानी या कोई प्रॉब्लम्स होती हैं तो बॉडी में कौन कौन से सिम्टम्स हमारे शरीर में देखने को मिलते हैं, जिसे कह सकते हैं इंडिकेट सिम्टम्स ऑफ लिवर प्रॉब्लम्स के कौन कौन से इंडिकेटर सिम्टम्स होते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले मुझे आपसे थोड़ी सी रिक्वेस्ट है, आपकी और मेरी मुलाकात पहली बार हो रही है, मुझे पहली बार देख रहे हैं सुन रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर क्या है कॉन्सेप्चुअल फैक्ट्स आपके सामने रखे जाते हैं और कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में बहुत क्या हेल्पफुल होंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। तो पहला हमारा जो जिसका फैक्ट है, इंडिकेट्स है लिवर प्रॉब्लम का, वो हमारा क्या है फटिक एंड वीकनेस होती है। फटिक एंड वीकनेस का मतलब होता है हमारे शरीर में थकान और कमजोरी रहती है। थकान और कमजोरी क्यों रहेगी, तो ये क्या है अगर हमारा लिवर प्रॉपर फंक्शन नहीं करता है तो हमारा टॉक्सिन्स का डिपोजिशन हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में क्या टायर्डनेस हो जाती है, मीन्स कमजोरी आएगी, थकान आएगी, और हमारे में कहीं ना कहीं क्या है उसमें क्या है वीकनेस देखने को मिलती है। तो कमजोरी है, थकान है, तो ये हमारे कहीं ना कहीं सिम्टम्स हैं, किसके हैं लिवर प्रॉब्लम के सिम्टम्स हो सकते हैं। इसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट इंडिकेटर सिम्टम्स ऑफ लिवर प्रॉब्लम का, वो हमारा क्या है लॉस ऑफ एपेटाइट एंड वेट लॉस। कहने का मतलब इसमें भूख कम लगना और हमारा शरीर का वजन कम हो रहा है, तो ये भी कहीं ना कहीं सिम्टम्स इंडिकेटर हो सकता है लिवर प्रॉब्लम का, लिवर में कहीं ना कहीं दिक्कत परेशानी होने का। तो क्यों ऐसा होता है, क्योंकि लिवर में हमारे क्या है वाइल सिक्रेशन करता है। वाइल सिक्रेशन का मीन्स क्या होता है, आपने देखा होता है लिवर के नीचे एक छोटा सा बैग होता है जिसे गॉल ब्लैडर के नाम से जाते हैं, इसमें क्या है वाइल डिपोजिशन हो जाता है, बाइल का इसमें इकट्ठा रहता है। जब हम खाना खाते हैं तो बाइल इसी में से हमारे क्या आहार नाल में पहुँच जाता है, और आहार नाल में पहुँचने के बाद ये ठीक से ब्रेक डाउन करता है, उपापचय करता है, पाचन करता है, किसका फैट का करता है। फैट हमारा क्या होता है, ये एक बसाई पदार्थ कह सकते हैं, फिर तेलीय पदार्थ होता है, इसी का ही इसको क्या है डाइजेशन करता है। तो जब बाइल का प्रोडक्शन कम होगा, लिवर में दिक्कत है तो बाइल का प्रोडक्शन कम हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे कहीं डाइजेशन में कहीं ना कहीं इश्यूज आने लगते हैं, और हमारा क्या है जो फैट का डाइजेशन बहुत क्या है डिफिकल्ट हो जाता है। तो इसकी वजह से भूख नहीं लगती और हमारा का वेट हमारा क्या है प्रॉपर कम होना शुरुआत हो जाती है, ठीक है। इसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट इंडिकेटर सिम्टम्स ऑफ लिवर प्रॉब्लम का है, वो हमारा क्या है नौजिया एंड वोमिटिंग। नौजिया एंड वोमिटिंग का मतलब है जी मचलाना और उल्टी आना। जी मचलाना उल्टी आना क्यों होगा, तब क्योंकि बॉडी में टॉक्सिन्स बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएंगे। जब बॉडी में टॉक्सिन्स बहुत इंक्रीज हो जाएंगे, क्योंकि लिवर का काम ही होता है टॉक्सिन्स को शरीर से बाहर निकालना, लेकिन लिवर का प्रॉब्लम लिवर फंक्शन प्रॉपरली नहीं करता, इसकी वजह से टॉक्सिन्स बहुत बॉडी में इकट्ठे हो जाते हैं, एक्यूमुलेशन टॉक्सिन्स हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे क्या है जी मचलाना और वोमिटिंग जैसी उल्टी जैसी समस्या शरीर में देखने को मिलती है। इसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट इंडिकेटर सिम्टम्स ऑफ लिवर प्रॉब्लम्स क्या है, वो हमारा क्या है एब्डोमन पेन होता है और हमारे का स्वेलिंग आ जाती है। एब्डोमन पेन और स्वेलिंग क्यों आती है, इसका मतलब ये है लिवर में कहीं ना कहीं हमारे क्या है इन्फ्लामेशन हो रहा है। अब कैसे इसको एक्सेस करेंगे, कैसे इसको जांचते हैं, तो आपने देखा लिवर हमारे की लिवर की पोजीशन कहाँ पर होती है, तो लिवर हमारा क्या है राइट साइड में होता है, पसलियों के जस्ट नीचे हमारे क्या है लिवर होता है, राइट साइड में होता है। तो वहाँ पे हल्के से आप पुश करके देखोगे तो वहाँ पे तुरंत आपको क्या दर्द होगा और वहाँ पे क्या होगा तुरंत क्या है वहाँ पे पेन समस्या मिलेगी और हमारा वहाँ पे क्या है स्वेलिंग भी होगी। तो ये हमारा इंडिकेशन होता है लिवर में कहीं ना कहीं हमारा लिवर क्या फैटी लिवर हो गया है, और इसे हेपेटोमिगैली के नाम से जानते हैं, लिवर हमारा हो सकता है कहीं ना कहीं बढ़ गया है, साइज बढ़ गया है, फैटी लिवर भी हो सकता है, तो जिसकी वजह से हमारे राइट साइड में पेन बना हुआ है और वहाँ पे क्या स्वेलिंग भी है। तो इसके बाद में इसको जो नेक्स्ट हमारा जो है इंडिकेटर सिम्टम्स ऑफ लिवर प्रॉब्लम का है, वो हमारा क्या है एलोइंग स्किन एंड आइस कैसी हमारे हो जाएंगे, शरीर हमारा कैसा हो जाएगा पूरा पीला पड़ जाएगा, और हमारी आंखें जो आपने देखा वो वाइट वाइट कलर का जो कलर्स होते हैं इसे स्क्लेरा के नाम से जाते हैं, ये भी हमारी कैसे हो एलोइंग हो जाती है, इसको क्या है जॉइंटस के नाम से इसको जानते हैं। क्यों हो जाता है ऐसा, तो एक लिवर बहुत अच्छा फंक्शन करता है जिसमें क्या है बेस्ट प्रोडक्ट रिलीज करता है जिसे क्या है बाइल रूबिन के नाम से जानते हैं।
तो ये हमारे क्या काम करता है, ये हमारे बॉडी में क्या आरबीसी डिस्ट्रक्शन के बाद ये हमारा होता है। तो ये हमारे क्या हो, इसमें क्या है, जो वायलरूबिन होता है वो एक्सेस क्वांटिटी में बढ़ जाता है। तो जिसकी वजह से एक्सेस क्वांटिटी में बढ़ने के बाद कहाँ पहुँच जाता है, ये एकुमुलेशन हमारे बॉडी में और आइज में, पूरी बॉडी में ये एकुमुलेशन हो जाता है, ब्लड के थ्रू पूरे बॉडी में फ्लो करता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में स्किन्स कैसी हो जाती है, वो एलोनेस हो जाती है। डिस्कस करेंगे अभी बाइल का जो मेन रूट होता है कहाँ से पास होता है, नेक्स्ट इसको अभी डिस्कस करेंगे। इसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट जो इंडिकेटर है बाइल उसका लिवर प्रॉब्लम का, वो हमारा क्या है, डार्क यूरिन एंड पेल स्टूल हो जाता है। डार्क यूरिनेशन कैसे हो जाएगा, डार्क हो जाती है इसमें, और स्टूल का कलर कैसा हो जाएगा, पेल स्टूल हो जाएगा। पेल मीन तो होता है मटमैला हमारे स्टूल का कलर हो जाएगा, और यूरिन हमारी कैसे डार्कनेस हो जाएगी। ऐसा क्यों होता है इसको समझते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा तो बाइलरूबिन जो पिगमेंट होता है वेस्टेज हमारा होता है, वो हमारी बॉडी में क्या एकुमुलेशन करता है। मेनली उसको जाना चाहिए था, कैसे जाना चाहिए, वो हमारे के लिवर के माध्यम से, वो हमारे सीधे इंटेस्टाइन में सीधा सिक्रिएशन होता है, इंटेस्टाइन के माध्यम से सीधे हमारे स्टूल के रास्ते पास हो जाता है। लेकिन कभी कभी हमारे इंटेस्टाइन के माध्यम से ना पास होने की वजह से हमारे क्या पूरी बॉडी में फ्लो करता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में कैसा हो जाएगा, स्किन हमारी कैसे हो जाएगी, येलो कलर की हो जाएगी, और हमारी यूरिनेशन भी कैसे हो जाएगा, डार्क यूरिनेशन हो जाएगा, और हमारा जो स्टूल होगा वो कैसा होगा, मटमैला हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे क्या है वाइल जो पिगमेंट होता है, वहाँ पे क्या है वाइलरूबिन पिगमेंट होता है, वहाँ पे नहीं पहुँचता, जिसकी वजह से स्टूल का कलर कैसा हो जाएगा, चेंज हो जाता है। इसकी वजह से जो नेक्स्ट हमारा जो सिम्टम्स है लिवर प्रॉब्लम का, वो हमारा क्या है, वो हमारे बॉडी में क्या इचिंग स्टार्ट हो जाती है पूरी बॉडी में। अगर आपको कहीं ना कहीं खुजली है, इचिंग है, तो ये कहीं ना कहीं इंडिकेट हो सकते हैं आपकी क्या लिवर प्रॉब्लम में, कहीं ना कहीं थोड़ी सी दिक्कत परेशानी है आपको लिवर में। तो एक बार उसकी जरूर जांच कराइएगा लिवर में, अगर आपको क्या है पूरी बॉडी में क्या है एलर्जीज है, स्किन से रिगार्डिंग कहीं ना कहीं कोई कोई दिक्कत या परेशानी है, तो लिवर में कोई ना कोई इंडिकेशन हो सकता है। इसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट जो सिम्टम्स है लिवर का खराब होने का, लिवर प्रॉब्लम का, वो हमारा क्या है, स्वेलिंग इन लेग्स एंड एंकल्स। स्वेलिंग आ जाती है कहाँ पे, स्वेलिंग आ जाती है, स्वेलिंग हमारे पैरों पे आ जाती है, स्वेलिंग हमारे हिंड लैम्प्स पे आ जाती है, हिंड लैम्प्स पे, और हमारे क्या है खासकर एंकल्स टखनों पे आ जाती है। तो जो घुटने टखने होते हैं वो उनमें क्या होता है एकुमुलेशन हो जाता है। किसका हो जाता है एकुमुलेशन, क्या फ्लूड का वहाँ पर डिपोजिशन होता है, जिसकी वजह से हमारे क्या है पैरों में क्या है सूजन आ जाती है, और खासकर क्या है एंकल्स टखनों पे भी सूजन देखने को मिलती है। तो ये भी कहने के इंडिकेशन हो सकता है लिवर प्रॉब्लम का। इसके बाद में नेक्स्ट इंडिकेशन ऑफ लिवर प्रॉब्लम वो हमारा क्या है, वो उसके बाद में है इजी ब्रूजिंग एंड ब्लीडिंग। इजी ब्रूजिंग एंड ब्लीडिंग का मीन्स में होता है कहीं ना कहीं आसान से अगर कहीं चोट लग जाती है और उसमें ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाती है, और खून का थक्का नहीं जमता, खून बहुत देर तक बहता है। क्यों? क्योंकि इसका रीज़न ये होता है लिवर हमारा बहुत इसेंशियल प्रोटीन्स रिलीज करता है, जिसकी वजह से क्या होती है जो लिवर का उसकी क्लॉटिंग्स होती है, ब्लड क्लॉटिंग्स होती है, जिसमें प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रोजन एक महत्वपूर्ण प्रोटीन्स होती हैं। ये लिवर में मैकेनिज्म के ठीक डिस्टर्बेंस होने की वजह से प्रोटीन्स का सिक्रेशन लिवर के द्वारा नहीं किया जा सकता, जिसकी वजह से ब्लड क्लॉटिंग का कहीं ना कहीं थोड़ी सी प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो ये भी इंडिकेट हो सकता है ब्लड का कहीं ना कहीं आपके उसके लिवर प्रॉब्लम का हो सकता है। इसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट और जो आखिरी जो हमारा जो है इंडिकेटर है किसका लिवर प्रॉब्लम, वो हमारा क्या है कन्फ्यूजन है, डिसऑरिटेशन हो जाता है। कन्फ्यूजन और डिसऑरिटेशन का मीन्स होता है अगर कहीं ना कहीं हमको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हमारे शरीर माइंड में रहता है, और कोई भी डिसीजन हम ठीक से नहीं ले पाते हैं, कॉन्शियसनेस हमारी रहती है तो अनकॉन्शियसनेस है, और हमारे क्या है कन्फ्यूजन बॉडी में बना रहता है, तो कहीं ना कहीं ये भी हमारे क्या है सिम्टम्स हो सकता है लिवर में, कहीं ना कहीं थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये हमने क्या इजीली सिम्टम्स बताए थे जो मेन जो अर्ली स्टेज पे इसको डिटेक्ट कर सकते हैं। ये अगर सिम्टम्स इसमें कोई भी आपको सिम्टम्स लग रहा है तो अपनी लिवर की अवश्य जाँच कराइए। लिवर की जाँच LFT के नाम से लिवर फंक्शन टेस्ट करा लीजिए उसको, और हमारे क्या है एक हमारा जो वायरस का उसकी भी जाँच करा लीजिए, जैसे कि हेपेटाइटिस की ABC है, जी सब हेपेटाइटिस वायरस हो सकते हैं, तो इनकी वजह से कहीं ना कहीं थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। एक सोनोग्राफी करा लीजिए, जिसकी वजह से लिवर का मेजरमेंट हो सकता है कि लिवर में क्या है कोई स्वेलअप तो नहीं कर गया, फैटी लिवर तो नहीं है, तो इसकी वजह से कहीं ना कहीं उसके मैकेनिज्म में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, क्योंकि लिवर हमारा बहुत मोस्ट इसेंशियल ऑर्गन्स होता है पूरी बॉडी को मेटाबॉलिज्म के उस पर। तो ये मैं थोड़ा सा प्रयास किया था आप तक जानकारी शेयर करने के लिए, मुझे ऐसी उम्मीद है जानकारी आपको जरूर अच्छी लगी होगी। तो मेरे चैनल को शेयर अवश्य लाइक और शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। ओवरऑल वॉच करने के लिए थैंक यू, नमस्कार, जय।